थी। पैसे लेगा ले। वीडियो लेके क्या करेगा तुम? अभी नहीं ला लो। तुमको बोले तो उसमें ले लो, खाने का खाली था ना उसमें। अब पैसा कैसे लेगा? तो बोला नहीं लेंगे। निरंजन मुर्मू की तरफ से इस मैच में जो क्रिस 22 का बॉल प्राइस करो। और इसी बीच जो 17 नंबर जैसे पहने हुए खिलाड़ी को आप देख पा रहे हैं, पिछले साल क्या बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, सांगा नाम से प्रसिद्ध। और इस जो विदेशी मूल के खिलाड़ी 19 नंबर जैसे पहने हुए खिलाड़ी को आप देख पा रहे हैं, जो कि विदेशी मूल के खिलाड़ी हैं, इसने पूरे टूर्नामेंट में एक हैट्रिक सहित 4 गोल दागा है। और इस मैच में, इस फाइनल मैच में जो भी खिलाड़ी सबसे ज्यादा गोल मारेंगे, झंडा बना गया होना अलग जोड़ेदार से अलग होना मॉडल और रेस्टोरेंट की तरफ से जो कि नंबू करवा में स्थित है उसके तरफ मैन ऑफ द मैच 15,000 लॉस ना हेडर जीता उतर लेना कोई मैन ऑफ द मैच नहीं कोई अच्छा 15,000 पड़ा होगा इस क्रिस प्रेयर बॉय उन्हें आप ही दे बिना ये तो आपको को तला रहे बड़े सेट चुके हो ना वो आज आगे बड़ा क्लब से कोई और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री लोबिन हेमराम जी को बुके देकर स्वागत करेंगे हमारे इस शारजाह बेटा क्लब के वरीय प्रमुख सलाहकार
श्री, जबकि इस समय ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की जर्सी पहने हुए टीम उत्तरी छोर से यह है हजारीबाग एफसी। फर्स्ट हाफ का फिलहाल खेल प्रगति पर, लेकिन अभी तक किसी तरफ से गोल नहीं हो पाई है। लेकिन क्या कुछ कर दिखाते हैं देखने वाली बात होगी। इस मैच में एलवन टाइगर दुमका की टीम गेंद को स्वीप किया लेकिन और इसी बीच पांच गोल चुके होकर उनके हैट्रिक को मिलाते हैं और चीन यह बच्चा हो गया हाई किक। आदिवासी चालक संघ दुमका से कोई रिटेनिंग गोल हो 1000 टका शटर करा। अगर आम अंगता है लड़े जीत गोल अगर दुमका से खोल में वही कांख है 2500 टका और जबकि काफी शानदार प्रदर्शन, काफी दमदार प्रदर्शन कई खिलाड़ी खासकर यहाँ मनोज नंदा जी कह रहे थे कि यही मौका है यहाँ से एलवन टाइगर दुमका की टीम को वापस समय है क्योंकि अब अगर आप 1-0 से पिछड़ रहे हो तो निश्चित रूप से आपको वापसी करने के लिए जी जान लगाना होगा। बीच
अच्छा बिल्कुल काली हेमराम नवा राइट आउट फॉर्म काफी शानदार गति का प्रदर्शन कर रही थे बीते तुमका लग काफी जबरदस्त पासिस स्किल तगड़ा यंग गॉड लक्ष्मी का इस टूर्नामेंट में बेस्ट स्कोर आ रहा है पैसा होगा स्पीच गोल लगा रहा है सब होगा और हिंद्र सेवा लेकिन मिस कर रहा है अच्छा संतोष उद्धत किया कप्तान का वाह कमाल का किबी कोई खिलाड़ी लेकिन उन्हें कोई जस्ती कमाल बड़े भाई वाह कितना शानदार पास कितना दमदार पास अगर हम शानदार गोल हुई तारीख को वापसी गोल हुई तारीख को जर्सी नंबर 10 के द्वारा इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर में दूसरे स्थान पर काफी ये खिलाड़ी क्या गोल क्रॉस कर पाएंगे हालांकि वहां पांच नंबर जैसे पहले वे डिफेंडर सोमनाथ लोहार के द्वारा गेंद को क्लियर कर ली गई सात नंबर जैसे सुजल मंडी दुमका के ओर से तेज गति से बढ़ रहे हैं हजारीबाग के पास मौका ओपनर अजरा सात नंबर जैसे बने हुए अपने टीम के स्कोरर क्रीज को पास दिया है और इस खिलाड़ी को मानना होगा फिलहाल गेंद सौरभ मुंडा जो कि टीम के कैप्टन है लंबा शॉट लगाया कैप्टन ने चपास एडमस्कल ने और रिलीज बॉल मौका जरूर सुजोल शॉट लगाया था लेकिन कैप्टन सौरभ मुंडा से टकरा कर गया डिप्लेक्स भी अनिल सोरेन के पास गेंद और इस बार गेंद मौका मिला है चार नंबर जर्सी पहने हुए सार्गम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतर्गत हमारे जितने रेफरी मंडी है आप सभी से निवेदन है जैसे ही मैच की खत्म समाप्ति होगी तुरंत आप जितना रिपोर्ट है हमारे वीआईपी मंच पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे टीम मोहन बोले माइक हजारीबाग एफसी की टीम बॉक्स के अंदर
पहला टच अगर मिलता तो निश्चित रूप से यहां जिराट ने दूसरा गोल। डेबू का अच्छा पास, 13 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी को अनिल सोरेन, पुनः डेबू और यूसुफ के पास गया और एक मौका क्या यहां पर गोल मार पाएंगे 10 नंबर मौका इस बार स्टाइलिश खिलाड़ी इसको भी क्या गोल मार पाएंगे। और इस बार इस सभी खिलाड़ी के गोल नहीं, अगर यहां पर ऑफसाइड नहीं होते तो लक्ष्मीकांत का ये छठा गोल होता, लेकिन बहुत ही सटीक निर्णय असिस्टेंट रेफरी पूरी जोर पर सुचित चोपो जी और जिस तरह से सही निर्णय दिया। जॉटेक्स अच्छा पास यूसुफ के लिए और देखने के 12 नंबर अच्छा मौका, 14 नंबर डीबी को मौका बार बार मिल रहे थे, प्रदर्शन अभी तक रहा है डिफेंस के पोजीशन से और चोटिल अवस्था में दो खिलाड़ी इस समय अपने ही बॉक्स के बाहर वहां पर इस समय गिरे हुए। साध्यम बेटा क्लब के आप सभी से विशेष निवेदन है, आप लोग मैदान के चारों ओर इसके बाद किसी को भी आप अंदर ना आने दें करें। और दोनों टीम के मैनेजर दोनों टीम के लिए जर्सी नहीं लाने का प्रयास करेंगे।